अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे मज़मून का उन्वान है आम। आम एक ऐसा फल है जिससे सभी वाकिफ हैं। कई लोगों का पसंदीदा फल आम ही होता है ना। तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख रखी हूँ और अब हम इसे पढ़ते हैं। मेरा पसंदीदा फल आम है। ये हमारा कौमी फल भी है। आम को फलों का बादशाह या राजा कहा जाता है। इसका रंग यानी आम का रंग पीला और हरा होता है। अगर आपने आम देखे हैं तो आपने देखे होंगे कि पीले में भी कई शेड्स होते हैं। ये गर्मियों का फल है यानी इसकी जो है पैदावार गर्मियों में होती है। ये एक लजीज फल है। इसका जायका मीठा होता है। आम की 100 से ज़्यादा अकसाम होती है यानी कई किस्में हैं। हापूस, दशहरी, केसर, लंगड़ा, तोता पायरी, चौसा, नीलम परी और ना जाने आम के बहुत सारे नाम हैं। आम पूरी दुनिया में शौक से खाए जाते हैं यानी अगर दुनिया के किसी हिस्से में ना भी उगे तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ज़रिए वहाँ पहुँचाए जाते हैं और खाए जाते हैं। आम में विटामिन ए, सी, डी पाया जाता है। बेशक अल्लाह ने हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा रखा है, तो आम में जो है ये फ़ायदा है कि उससे हमें विटामिन ए, सी, डी मिलता है। कच्चे आमों से अचार, मुरब्बे, चटनी, आम पापड़ बनाए जाते हैं। आम का शरबत और लस्सी भी मज़ेदार होती है। आपने भी पी होगी, है ना? हरा आम या कच्चा आम कैरी कहलाता है। आम हमारे जिस्म को तवानाई देते हैं। आम ज़्यादातर हर इंसान खाना पसंद करता है। कोई कच्चा खाते हैं, कोई काट कर, कोई चूस कर और कोई नमक मिर्च लगा कर खाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मीठे आम पर भी नमक मिर्च लगा कर ही खाती हूँ। कुदरत का एक ख़ज़ाना है आम। बेशक कुदरत ने कई ख़ज़ाने हमें दिए हैं, उसमें एक ख़ज़ाना आम है जो लज्जत से भरपूर है, तवानाई से भरपूर है और गिज़ाइत से भरपूर है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।